नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद एक तरफ जो है ताशपोशी की तैयारियां की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो एनडीए के वरीय नेता हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो समीक्षा करने में जुट गए हैं कि आखिर जिन सीटों पर उनकी हार मिली है और महागठबंधन को बढ़त मिली है, आखिर वो किन वजहों से मिली है। वहीं इस बीच अब जो है बीजेपी नेता हैं, जितने भी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वो आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें एक बार फिर मौका दिया है। बिहार की जनता ने जिन विश्वास से उनको वोट दिया है, उस विश्वास पर वो खड़े उतरेंगे और बिहार को ऊंचाइयों के रास्ते पर ले जाएंगे। विशेष क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। लगातार दो महीने से यहाँ बैठ के पूरे प्रबंधन के कार्य को अंजाम देते रहे हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक माननीय मंगल पांडे जी से वो भी सभी को संबोधित करें। और शिवरात्रि कल हम सब आपस में फिर मिलेंगे। हर की जनता को धन्यवाद देना चाहती है कि चौथी बार एनडीए को बिहार में सेवा करने का मौका दिया है। मित्रों, में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 12 सभाओं को संबोधित किया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो वास्तव में बिहारी बन के बिहार के रहने वाले थे, लेकिन पूरा मोर्चा जिन्होंने संभाल लिया, और भूपेंद्र यादव जी से लेकर हमारी पूरी केंद्रीय टीम, और जो एनडीए गठबंधन के तमाम नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री मुकेश सहनी जी, उन सभी लोगों को मैं अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मित्रों, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा बूझी। अभी से करीब 1.5-2 घंटे पूर्व राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से जाकर चुनाव आयोग के सामने अपनी बातों को कह रहे थे, देखिए वही लोग हैं जो पहले चुनाव का विरोध कर रहे थे, ये कह रहे थे कि कोरोना में चुनाव नहीं होना चाहिए। इनको मालूम था कि इनकी करारी हार होने वाली है, तो पहले तो उन्होंने चुनाव कराने का ही विरोध किया, और जब चुनाव अपने परवान चढ़ने लगा तो राहुल गांधी का बयान आता है कि ईवीएम नहीं बल्कि एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं वो ईवीएम के अंदर खामियां गिनेंगे और वो सारा दोष ईवीएम पर मढ़ेंगे, ईवीएम के कारण चुनाव हार रहे हैं। तो मेरे मित्रों, बिहार की जनता ने जिस प्रकार का जनादेश दिया है और स्पष्ट बहुमत दिया है एनडीए गठबंधन को, मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि बीजेपी और एनडीए उनके सपनों पर खरी उतरेगी, और जिस तरह से 15 साल लगातार हम लोगों ने बिहार की जनता की सेवा की है और बिहार को इन ऊंचाइयों तक पहुँचाया है, आगे आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हम बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, बिहार को और विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। बिहार के आज के चुनाव परिणामों ने पुनः इस बात को बिहार के जनमत ने स्पष्ट किया है कि बिहार में विकास, शांति, लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के शासन को निरंतर रूप से जनता ने अपना पूरा समर्थन दिया, और पुनः एनडीए को एक बार फिर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार की समस्त जनता का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और यह जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए जनता ने हमें आशीर्वाद के रूप में सेवा करने का एक अवसर हमको दिया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को भी हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं कि कोरोना के इस संकट के समय में जो लोकतंत्र का चुनाव हुआ उसमें उन्होंने पूरे तरीके से पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मैदान में आकर के हौसला अफजाई करी, मार्गदर्शन करा और सबको इस चुनाव में लड़ने के लिए प्रेरित भी किया।
निश्चित रूप से मतदान का जो प्रतिशत रहा, और मैं विशेष रूप से हमारे बिहार की सभी महिलाओं का, बहनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बिहार के विकास के लिए एनडीए को अपना समर्थन दिया। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माननीय सुशील मोदी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री मंगल पांडे जी, श्री सम्राट चौधरी जी, श्री नागेंद्र जी, दिलीप जी, सब लोग बैठे हैं। हम पुनः हृदय से धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को इस चुनाव की प्रक्रिया में, जिसको चुनाव आयोग ने बहुत सफलतापूर्वक किया, उनको शायद अपनी हार पच नहीं रही है। लगातार उन्होंने एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी। बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने एनडीए पे भरोसा किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस नारे को, उस संदेश को कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर भरोसा किया और बिहार सरकार के सुशासन पर भरोसा किया और बिहार की जनता सजगता के साथ जो एक उपद्रव मचाने वाली, उपद्रव को उकसाने वाली सरकार नहीं बने, उससे बिहार को बचाकर एनडीए पर भरोसा किया है। विकास न्याय के साथ होगा, सुशासन की व्यवस्था होगी। एक बार पुनः बिहार की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत जीत की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री नित्यानंद राय जी, आदरणीय मंगल जी, आदरणीय नागेंद्र जी, सिमरायन जी और दिलीप जी, आज बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है और लगातार जितने सीटों पर हम चुनाव लड़ने गए थे, चुनाव के पहले 125 सीट पर लड़ने गए थे, जनता ने फिर उतने ही सीटों पर जिताकर भेजने का काम किया। तो हम पूरे एनडीए के लोगों को और तमाम जो जनता है जिसने एनडीए को जिताने का काम किया, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। खासकर जो महिलाएं थी, उन्होंने जिस तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ देने का काम किया, उसके लिए विशेष तौर पर